टुडे वी टॉकिंग अबाउट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ओके। इसको ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो देखो, ब्लड ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रम्बोसाइट, ओके। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरबीसी इरिथ्रोसाइट, ओके। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल या फिर इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में और फिर थ्रम्बोसाइट प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, आरबीसी सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये इम्पोर्टेंट है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और फिर देखो, आरबीसी न्यू आरबीसी प्रोड्यूस होती है पर सेकंड 2.5 मिलियन, है ना। तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है पर सेकंड 2.5 मिलियन, ओके, 2.4 मिलियन। फिर आरबीसी डेवलप होती है बोन मेरो में, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये अपन ने पहले वीडियो में बात कर ली थी, ठीक है। तो आरबीसी डेवलप होती है बोन मेरो में और फिर इसकी लाइफ होती है 120 डे, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। और फिर अब देखो, वन साइकिल ऑफ आरबीसी 20 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आरबीसी का एक साइकिल 20 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होता है और पर सेकेंड बनती कितनी है 2.5 मिलियन, ठीक है। और 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है, है ना। ये डाटा याद करने हैं, ये क्वेश्चन आ जाती है कभी कभी। फिर नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी, तो मेल के अंदर होती है 4 से 5.5 और फीमेल के अंदर 3.5 से 4.5, ओके। तो यह डाटा है ना, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, यह 5 से 6 हो सकता है और यह 4 से 5 हो सकता है, ठीक है। तो मेल में आरबीसी की वैल्यू होती है 4 से 4.5 और फीमेल में 3.5 से 4.5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब देखो, कुछ अपन डेफिनेशन देखते हैं। जैसे नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं नॉर्मोसाइट, है ना। नॉर्मोसाइट मतलब नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी। ये इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, साइज बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो उनको, ठीक है। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन बनती है। तो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं नॉर्मोसाइट, और स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी उसको बोलते हैं माइक्रोसाइट, और लार्ज हो जाती है उसको बोलते हैं मैक्रोसाइट। तो साइज बढ़ गई उसको मैक्रो और कम हो गई उसको माइक्रो, और नॉर्मल है तो नॉर्मल साइट, ओके, नॉर्मोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कलर की। तो जो नॉर्मल कलर होता है उसको नॉर्मोक्रोमिया, और डार्कर कलर हो जाता है उसको हाइपर, है ना। और आरबीसी लेस कलर देन नॉर्मल से लेस हो जाता है उसको हाइपो, तो लेस हो जाता है तो हाइपोक्रोमिया, और ज़्यादा डार्कर हो जाता है तो हाइपरक्रोमिया, और नॉर्मल होता है तो उसको नॉर्मोक्रोमिया, ओके। देखो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है कि आरबीसी का डिस्क्रिप्शन कीजिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैथोलॉजिकल शेप, है ना। आरबीसी में कोई पैथोलॉजी हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया, SCA, सिकल सेल एनीमिया, यह पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यह भी हो सकती है। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो ये तीन याद करना है, SCA, सिकल सेल एनीमिया और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यह इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। और फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखो, इंक्रीज रेड ब्लड सेल, इंक्रीज आरबीसी मास, है ना, उसको बोलते हैं अपन पॉलीसाइथीमिया, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा ना, उसको बोलेंगे अपन पॉलीसाइथीमिया, है ना, या पॉलीसाइथीमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस, ओके, इरिथ्रोसाइटोसिस। तो इंक्रीज आरबीसी मास, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस, इंपॉर्टेंट है। तो इसके कोज क्या क्या है, देखो पॉलीसाइथीमिया के कोज क्या है, तो फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं और कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, ओके। फिजियोलॉजी भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजियोलॉजी में देखो, एक्सरसाइज हो गया और हाई एल्टीट्यूड हो गया, है ना, अधिक ऊंचाई वाला स्थान हो गया। और भी पैथोलॉजिकल में बोन मेरो डिसऑर्डर हो गया, है ना, और
क्योंकि डेवलप यहाँ यहीं पे होती है ना। देखो मैंने बताया था कि यह डेवलप कहाँ पे होती है, यहाँ पे देखा था ना अपन ने। देखो आरबीसी डेवलप होती है बोन मेरो में, है ना। तो अगर बोन मेरो डिसऑर्डर हो गया, यह भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और रेस्पायरेटरी डिजीज हो गई, यह भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल मास, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और इसका कोज फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों देखना है। फिजियोलॉजी में एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड, और पैथोलॉजी में बोन मेरो डिसऑर्डर या फिर रेस्पायरेटरी डिजीज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इरिथ्रोपीनिया, है ना। इरिथ्रोपीनिया मतलब डिक्रीज आरबीसी मास, है ना, आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। और अगर कम हो जाएगा तो इसको ही बोलेंगे अपन एनीमिया, इसको ही बोलेंगे अपन एनीमिया, ओके। और देखो ये एनीमिया भी अपन अलग से पढ़ेंगे, ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये, और सेकंड एनीमिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो ये अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज ऑफ आरबीसी सेल मास, उसको बोलेंगे इरिथ्रोपीनिया। तो इसके भी देखो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो कोज हो गए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। और पॉलीसाइथीमिया, इसके भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉलीसाइथीमिया और इरिथ्रोपीनिया। इनकी डेफिनेशन पूछते हैं, और वाइवा में भी पूछते हैं कि पॉलीसाइथीमिया के कोज बताइए, किसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो इसका फिजियोलॉजिकल कोज देखना, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी हो जाती है ना, इसीलिए प्रेगनेंट लेडी को फोलिक एसिड दिया जाता है ना। और फिर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो इसे भी इरिथ्रोपीनिया हो जाएगा, ओके। और हीमोलाइसिस हो गया, यह भी इम्पोर्टेंट है, हीमोलाइसिस के दौरान भी यह एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो गई, इसके दौरान भी इरिथ्रोपोइसिस हो सकता है। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन में वही है, बोन मेरो डिसऑर्डर, है ना, और किडनी डिजीज, यह याद करना है, किडनी डिजीज होगी तो इरिथ्रोपीनिया हो सकता है, ठीक है। तो यह हो गया आरबीसी का नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो देखो मैंने बताया था कि आरबीसी बाइकॉनकेव होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। तो देखो यह हो गई बाइकॉनकेव, है ना, दोनों साइड से। और देखो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होती है, और यही डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप, यह इम्पोर्टेंट है, यह अलग से पढ़ेंगे अपन ब्लड ग्रुप, है ना। तो आरबीसी के सरफेस पे होता है एंटीजन, और एंटीजन यही डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप को, ठीक है। और आरबीसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसका भी अपन अलग से बात करेंगे। आरबीसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी होता है ना। तो सरफेस पे एंटीजन और हीमोग्लोबिन होता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो अब यह हो गया आरबीसी का डिस्क्रिप्शन, है ना, आरबीसी की संख्या, नॉर्मल साइज, शेप, है ना, और संख्या बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया, इरिथ्रोपीनिया, ठीक है। और आरबीसी के सब, आरबीसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है।